सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी यह निर्णय लेंगे कि सिक्स फेज की थर्ड राउंड की काउंसलिंग टाइमली उसी शेड्यूल पर पूरी की जा सकेगी या फिर नहीं। हमने देखा था कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक जो है नए श्री रवि प्रकाश जी, उनका भी एक लेटर शाम को जारी हुआ था जिसमें उन्होंने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और डीपीओ को निर्देश दिया था एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मीटिंग कंडक्ट करने के लिए। तो उसका फैसला आ गया है, ये बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज़ हम कह सकते हैं। श्री रवि प्रकाश ने खुद ही ट्वीट करके ये जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि इन लाइट ऑफ वीसी यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस कंडक्टेड बाय ऑनरेबल मिनिस्टर एंड ACS एजुकेशन, थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग टू बी हैड एज पर शेड्यूल फॉलोइंग लेटेस्ट कोविड गाइडलाइंस फॉर विच डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस विल बी इश्यूड टू डिस्ट्रिक्ट्स टुडे। यानी कि जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग है नए कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अपने तय शेड्यूल के मुताबिक ही की जाएगी। इसको लेकर सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। तो आज की महत्वपूर्ण जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी उसमें यही फैसला लिया गया है, जिसका स्पष्ट मतलब यही है कि सिक्स फेज अब टाइमली समाप्त हो जाएगा। और जैसा कि शिक्षा मंत्री ने कल आश्वासन दिया है कि मार्च के फर्स्ट वीक में सेवन फेज की जो स्टार्टिंग है वह होने वाली है, सातवें चरण की जो अधिसूचना है वह जल्द से जल्द जारी की जाएगी। तो सभी जो अभ्यर्थी हैं इसके लिए बिल्कुल तैयार रहें, रेडी रहें। और सबके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़, एक गुड न्यूज़ हम कह सकते हैं, सिक्स फेज वालों के लिए तो है ही, साथ ही सातवें चरण में जो भी अभ्यर्थी पार्टिसिपेट करने वाले हैं, चाहे वह सीटेड अभ्यर्थी हो या फिर ST/AT मैरिट और नॉट इन मैरिट अभ्यर्थी हो, सभी को बिल्कुल तैयार रहना चाहिए कोविड गाइडलाइंस का फॉलो करते हुए बहाली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी की यही ब्रेकिंग न्यूज़ थी, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि टाइम पर ही जो है बहाली पूरी हो जाएगी। और अभी जो कोरोना के अभी तक जो कोरोना संक्रमण के हालात, इस स्थिति तक भी हम लोग इस राज्य के या ये सरकार की मंशा है, चाहती है सरकार की परीक्षाएं या नियोजन समय से, इसलिए अभी तक तो इनको रोकने का या स्थगित करने का कोई विचार नहीं। अभी जो हालात हैं ये सामान्य की तरह नहीं, मेरे कहने का ये अर्थ नहीं था कि अभी सामान्य है, अभी तो देख रहे हैं संक्रमण की दर लगातार बढ़ता जा रहा है। रोज पटना में या पूरे बिहार में पहले 100, 200, 50, 100 से शुरू हुआ, आज 7,000-8,000 प्रतिदिन संक्रमित लोगों की संख्या होती जा रही, तो ये तो लगातार बढ़ रहा है। तो हमने सिर्फ ये कहा कि अभी जो संक्रमण की, इसका मतलब ये स्थिति सामान्य नहीं है, संक्रमण तो है और संक्रमण का दर भी बढ़ते जा रहा है। तो अभी तक जो स्थिति है इतने पर भी अगर रुक गई या इतनी रह गई, तो हम लोगों की कोशिश होगी कि चाहे परीक्षाएं हो या नियोजन है हो, ये समय से या जो निर्धारित अवधि है, निर्धारित समय है इनका, एक ही चीज हम कहेंगे कि अगर इस कोरोना काल में हम परीक्षाएं लेंगे तो स्वाभाविक रूप से कोरोना काल के जितने भी प्रोटोकॉल हैं, जितने भी इसके लिए हिदायतें हैं, जो भी इसके जो कोरोना अनुकूल व्यवहार करते या कोरोना अनुकूल तैयारी करते, कोरोना अनुकूल इंतजाम करते, वो सब हम लोग करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि दो चीज जो इसमें सर्वव्यापी है वो है मास्क है, डिस्टेंसिंग है, इन दोनों चीजों का तो हम लोग हर हाल में कोशिश करेंगे कि पालन हो। और तभी चाहे परीक्षाएं हो या नियोजन हो, ये लेना भी उचित होता है। तभी तक तैयारी परीक्षाएं लेने की है, नियोजन करने की है, उचित कोरोना अनुकूल व्यवहार और इंतजाम के तक तो विभाग में इस नियोजन शेड्यूल को बरकरार रखना, कुछ जिला पदाधिकारियों से भी फीडबैक लिए जा रहे हैं और उनके द्वारा जो कोरोना संक्रमण है उसकी स्थिति पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। और जैसा कि हमने कहा कि आज के हालात भी अगर बने रहे तो हम लोग कोशिश होगी कि समय से, और हालांकि कोरोना संक्रमण जिस दर से बढ़ रहा है
कल क्या होगा इसको किसी ने देखा नहीं। अगर संक्रमण की स्थिति अनियंत्रित हो जाती है और लगातार बढ़ते जाती है तो उस हालत में विभाग नहीं, ये तो अनुमति विभाग की है, फिर सरकार इससे ऊपर होती है, उसके तहत जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है, असल कोरोना के रिस्क का आकलन क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के द्वारा किया जाता है। तो अगर कोरोना संक्रमण बढ़ता है उसके स्तर से कोई निर्णय होता है तो उसको हम लोग मानने के लिए अगर मजबूर रहते हैं तो ये तिथि अवश्य मान्य होगी। और 25 तारीख तक तो हम लोगों ने वेरिफिकेशन का काम पूरा करने का सभी शिक्षा पदाधिकारियों को लक्ष्य दिया है और स्थितियाँ अनुकूल रहेगी तो वो मान्य रहेगी। छठा चरण पूरा हुआ हम लोग सातवें चरण में आगे बढ़ जाएं। और आप भी इस बात को समझ गए कि जब तक छठा चरण पूरा नहीं होता जो रिक्तियां इस चरण में भरी नहीं जा सकती, सातवें चरण के लिए तो हम लोग उन रिक्तियों को भी शामिल करेंगे। जब जो लग रहा है सारी सीटें नहीं भर रही तो स्वाभाविक रूप से जो सातवें चरण के लिए योग्य अभ्यर्थी है ये तो उन्हीं के हित की बात होगी, तो पीछे की भी जो वैकेंसी बचेगी वो भी हम लोग उसमें डालने का हद है कि कोशिश तो हमारी जल्द से जल्द। और चूंकि अभी जो प्रक्रियाएं चल रही है आप देख रहे हैं कि हम लोगों के लाख ईमानदार प्रयास के बावजूद अभी एक नई परिस्थिति उत्पन्न हो रही है कि संयोग से जितनी हमारी नियोजन इकाइयाँ चाहे पंचायत के स्तर पर मुखिया जी की अध्यक्षता में कमेटी होती है, प्रखंड स्तर पर प्रमुख की अध्यक्षता में कमेटी होती है, जिला स्तर पर जिला परिषद अध्यक्ष के अध्यक्षता में एक कमेटी होती है, इन सारे नियोजन प्राधिकार के लिए नए चुनाव और 80-90% से अधिक जगह ये नियोजन प्राधिकार की संरचना बदल गई। अब कई जगह से ये भी बातें सुनने को मिल रही है जो पहले जो प्रक्रिया पूरी की गई जो नए प्राधिकार के और 80-90% से अधिक जगह ये नियोजन प्राधिकार की संरचना बदल गई। अब कई जगह से ये भी बातें सुनने को मिल रही है जो पहले जो प्रक्रिया पूरी की गई जो नए प्राधिकार के मैंने प्राधिकार के जो नए अधिकारी चुने गए वो लोग उसकी समीक्षा कर रहे हैं। तो इसलिए सब चीजों की ये संयोग कहिए दुर्योग कहिए कि ये सारे चीजें एक साथ